जनता बेवकूफ है, कच्ची में डूबी है, पक्की में बिकी हुई है। किसने दारू पिलाए, किसने चावल खिलाए, बिक गए 5 रुपए में। और ये बच्चे ताली बजा रहे हैं, देखो ये पेरेंट्स के लिए तालियां बजा रहे हैं। ये ये जो सोचना होगा आम जनता को, राजकीय जूनियर हाई स्कूल यानी कि 6वीं, 7वीं और 8वीं का एक विद्यालय, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया था कि यहाँ छुट्टी हो रही थी, ये तमाम वो बच्चे हैं जो अब घर जा रहे हैं। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है इनके साथ, ये देखिएगा भीड़ बहुत है। मैम को शायद पता होगा, मैम थोड़ा आप आगे आएंगे प्लीज। प्रणाम मैम, कितने टीचर हैं मैम आपके साथ? सर जूनियर लेवल पे तो केवल मैं हूँ, और लास्ट ईयर से माध्यमिक वालों की व्यवस्था हो रखी है टीचिंग के लिए, तो वो लोग टीचिंग तो प्रॉपर करते हैं, लेकिन अदरवाइज इतना ज्यादा बर्डन है कि मुझे सब कुछ खाने का भी अपने आप देखना, सब कुछ सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैम आपको रोना आ रहा है। सर मेरे को रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, और इतने ज्यादा डिपार्टमेंटली इतने वर्क होते हैं कि मैं बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हूँ, जिसके कारण मेरा स्वास्थ्य भी। क्या क्या है मैम यहाँ पे दिक्कतें जो हो रही है, क्या प्रेशर हो रहा है? सर सबसे पहले कि जैसे आजकल मेरा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो अगर मुझे छुट्टी भी जाना है सर, तो मुझे व्यवस्था करके जाना पड़ेगा, और पूरे संकुल की स्थिति ये है कि सब जगह एकल विद्यालय है, जिसके कारण व्यवस्था तो हो नहीं पाती है। तो मतलब वो परेशान होने के अलावा कोई भी चारा नहीं कि मतलब झेलना है। और कैसे आप मैनेज कर रहे हैं मैम, छठवीं को पढ़ाने जाओ, सातवीं आठवीं वाला हल्ला कर रहे हो? सर मैंने आपसे कहा ना लास्ट ईयर से थोड़ा वो माध्यमिक वाले, हाँ माध्यमिक वालों का शिक्षण व्यवस्था में उनका पूरा कोऑपरेशन है मुझे, और लास्ट ईयर से मतलब है बच्चों के हित में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अगर सर मेरा व्यक्तिगत देखा जाए, ऑफिशियल डिपार्टमेंटली इतने वर्क होते हैं कि मुझे संडे और सैटरडे वो वर्क। आपने कभी बोला नहीं मैम कि? बहुत बहुत बोला सर, जनप्रतिनिधियों से बोला, हमारे यहाँ SMC होती है, SMC के थ्रू भी हमने अपनी बात रखी, लेकिन सर हमें ये बोल के टाल दिया जाता है कि ये तो ऊपर का मामला है, हम लोग नहीं कर सकते। कैसे ऊपर का मामला है मुझे समझ नहीं आता, इन बच्चों का भविष्य लिए मैम थैंक यू। और ये देखिएगा एक अकेली मैम कितना कुछ झेल पाएंगे, क्या क्या काम होते हैं मैम, अटेंडेंस भेजना, बहुत कुछ सर। अब तो जब से ऑनलाइन का प्रोसीजर हुआ है, हर चीज डेली एक स्वीट चैट है, उसमें हमने अटेंडेंस देनी है, MDM का हमने भेजना है, और कभी अगर ये सोचो कि अगर हम क्लास में चले गए, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि हम क्लास में पूरे टाइम में उस क्लास को पढ़ा पाएंगे, पीछे से डाक आ जाती है। फिर मतलब सर जहां तक मैं समझती हूँ, पढ़ाई तो स्कूल में सब सेकेंडरी हो गई है, जो कि सबसे पहले होनी चाहिए थी। मतलब ये है कि ये वर्क होना चाहिए, बाकी तुम पढ़ाओ ना पढ़ाओ, मैं जहां तक अपना महसूस कर रही हूँ। सही बात है कि ये जो खामखा की चीजें दे रखी हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और बस कि MDM का हो रहा है नहीं हो रहा, MDM की गुणवत्ता वगैरह सब आप ही चेक कर रहे हैं? सब सर मेरे जिम्मे, राशन भी खुद लाना है, सब कुछ लाना है, चावल वहां से आता है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, बाकी दाल सब्जी मसाला नमक सब एक टीचर को देखना पड़ता है। चलिए मैम थैंक यू मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीता सजवान। ठीक है सजवान जी, एक पेरेंट भी हैं यहाँ पे जी। पेरेंट की बात सबसे बड़ी बात है कि मैं हमेशा बरसों से इस विद्यालय के पीछे लगा हूँ, मेरा नाम रमेश नेगी है, मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ यहाँ पे, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का कि यहाँ पर सिर्फ जो है सबसे बड़ी दिक्कत की है शिक्षा विभाग की। कई बार बोला भाई या तो समायोजन कर दो इसका, कि क्यों परेशान होंगे वो समायोजन करने में, क्योंकि राजनीति है, क्योंकि उनका जो है वोट बैंक जो है क्या होता है खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर वोट बैंक खत्म हो गया तो उनके एक के साथ 10 चले गए, क्यों हुआ है? क्योंकि अगर वास्तव अभी भी देख, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये मुद्दा जो है बरसों से चल रहा है कि भाई यार मैडम को जो है बात हुई थी कि मैडम को तब तक सैलरी इसी स्तर से दी जाएगी जब तक इनका जो है कहीं मतलब दूसरी स्कूल में नहीं हुआ। एक 3 कक्षाएं होने कितने थे, 4 अध्यापक होने चाहिए थे ना, तो कक्षा 3 और अध्यापक 1 और उसके काम पे 9, हफ्ते कितना होता है 6 दिन का है, 7 दिन चले उसके 9 काम हो जाएंगे, कहाँ कौन देखेगा, ठीक है। बोलने वाली बात यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी कौन है, भाजपा और कांग्रेस, उनसे जरा देखिए आप, नीचे सड़क से लेकर वहाँ तक देखिए आप, सड़क के हाल क्या, आदमियों के हाल बुरे हैं, ठीक है। मुझे बोलते हैं कि मैं जब थाने में भी लिया, SDM DM साहब के पास भी गया, तो वहां से आता है मेरे को लिख के कि नाम जद रिपोर्ट दर्ज कराओ, मैं इस गांव में रहूंगा या नहीं रहूंगा आप बताइए। सही बात, मैं आपके, कितने से लड़ूंगा? आपके यहाँ ऊपर भी मैं देख रहा हूँ विद्यालय का स्कूल हालत ऐसा है, जो प्राइमरी स्कूल है नीचे देखिए, मैं ये तो बोल रहा था मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, नीचे देखिए उस स्कूल पे जो है 18 लाख रुपए लगे, उस स्कूल की हालत देखिए आप, ठीक है, क्या 18 लाख में स्कूल नहीं बनती है?
उसको देखने आप अगर है समय तो मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने यहाँ पे जो बीओ साहब हैं जो एसएमएल जी उनको भी ले गया मैं, लेकिन किसने देखना किसने करना? एसएमएल जी को कभी आप उस वाले विद्यालय पे ले गए प्राइमरी में ऊपर नीचे वाले ऊपर ऊपर में तो गए वो देखा उन्होंने सब। ये एसएमएल जी से मैंने फोन पे बात की थी, आप बोल रहे थे मेरे पास सूचना नहीं है इस बात की। क्यों नहीं सर एसएमएल जी के पास स्कूलों की सूचना है जब वो यहाँ के मतलब के खंड मतलब खंड है उनके पास, क्यों नहीं है उनके पास सूचना? प्रत्येक चीज की सूचना है उनके पास। यानी नीचे स्कूल की स्थिति देखिए, वो भी तब जो है जब मैं 2016 से लगा रहा तब स्कूल का हुआ है, या जब तुम एकीकरण नहीं करते तो स्कूल तो बनाओ कम से कम। और सबसे बड़ी बात है जो इसकी इसका भी ढांचा देख रहा हूँ मैं, ढांचा ढांचा ही है ये, किसकी कमी? ये निर्माण निगम की कमी नहीं, ये कमी है जो है पूरे विभाग की जो है। बिल्कुल सही, ये जो है किसी व्यक्ति विशेष को देना नहीं है। नेगी जी जैसे जो हमारे बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए तो आएंगे, अब वोट के लिए आएंगे ना, लेकिन एक बार ठप्पा लग गया तो 5 साल तक नहीं दिखेंगे। अब बताइए आप क्या? ये जनता को भी तो सोचना चाहिए। जनता बेवकूफ है, कच्ची में डूबी है पक्की में बिकी हुई है। किसी ने दारू पिलाए, किसी ने चावल खिलाए, बिक गए 5 रुपए में। और ये बच्चे ताली बजा रहे हैं, देखो ये पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए तालियां बजा रहे हैं। ये जो सोचना होगा आम जनता को भी यकीनन। हाँ बेटा, किस बात पे ताली बजाई आपने? सब इधर उधर, चलिए जुड़ेंगे। ये एक विद्यालय नहीं है, यकीनन बहुत दर्द है मुझे। हमारे यहाँ जो विद्यालयी शिक्षा पर हो रहा है ना, वो बहुत अफसोसजनक है, बहुत अफसोसजनक। जुड़े रहिएगा, नमस्कार।